जो गणेश हो गया बढ़िया सर्विस पास उमदा बॉल लिफ्ट हुआ माइनस इस बार सचिन ने देखा बॉल इसको लिफ्ट हुआ सर्विस कहा जा रही है बहू वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो भाई काफ़ी ज़्यादा थक गया भाई। कल रात को ना 12 बजे तक हमारा मैच चला था। मैं एक्चुअली बताया नहीं होगा, मैंने स्टोरी लगाया था कि यहाँ पे टूर्नामेंट चले हुए वॉलीबॉल के। तो कल रात को 12 बजे हमारा मैच था, तो घर आ जाते 1:30 बज गए थे। तो सुबह मैं काफ़ी ज़्यादा लेट उठा, 10 बजे तो मैं सुबह ही उठा हूँ। भाई मेरे तो जा चुके हैं मैच देखने के लिए, और मैं सुबह उठा 10-1 बजे, फ्रेश फ्रूश हुआ तो टाइम लगी गया 12 बज गया। और अभी गुड आफ्टरनून हो चुका है। वैसे भी तो बस कुछ खाया नहीं ना, थोड़ा लाइट फील हो रहा बहुत ज़्यादा। लाइट तो क्या मतलब कि वीकनेस जैसा आ रहा है, जाके उसने शॉप से कुछ खा लेते। घर में कुछ बनाने के लिए मन भी नहीं कर रहा था कुछ क्या बनाऊँ, क्योंकि खाना खुना सारा उधर ही मिलता है। मतलब सारा मैच का प्रबंध वहाँ पे किया हुआ है मैच वालों ने। यहाँ पे आके आवाज़ आ रहा होगा शायद से, या फिर आवाज़ नहीं भी आ रहा होगा तो चलते हैं। और आज मैंने कुछ इस तरह से ड्रेसअप किया, आप देख सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट शर्ट पहना हुआ है और वाइट टी शर्ट है, जीन्स ये वाला है, और शूज़ मैंने वाइट पहने हुए जो कि होता है मैचिंग। और हमारे घर से आप लोगों को पता ही है कितना सुंदर सा व्यू दिखता है यहाँ पे। ऐसा लगता है जैसे कि हम बहुत हाइट पे हैं, और हमारे से हाइट तो इधर ऊपर है भाई, ये तो और ज़्यादा हाइट है। तो देख सकते हैं आप पहाड़ कितने नीचे नीचे नज़र आते हैं यहाँ पे। और काफ़ी ठंडी ठंडी हवा लग रही है, और आज का मौसम ना मैच के लिए एकदम परफेक्ट है। मतलब बादल आ रखे हैं, देख सकते हैं आप, इतनी बादल घने घने बादल, और बारिश का चांस भी शायद बन सकता है। आई होप ना लगे बारिश, क्योंकि आज लास्ट डे है मैच का। तो कुछ इस तरह से रास्ता होता है यहाँ से नीचे उतरने के लिए, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से गिर गया ना भयंकर, पाँव पाँव मुड़ जाना है मेरे, और पाँव वैसे भी फ्रैक्चर ही है। तो चलते हैं, वैसे भी काफ़ी दूर दूर से आई है टीम ना। तू नहीं गया मैच देखने, चल मजे मार फिर, तो लेट्स गो चलते हैं यहाँ से। वहाँ पे राजेश जो कि मेरा छोटा भाई जैसा ही है, वो काट रहा है मशीन से घास, वो शायद आज मैच देखने नहीं जा रहा है, हम ही जा रहे हैं। और काफ़ी दूर, मैं बोल रहा था कि हाँ काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे जो है टीमें खेलने आई है, काफ़ी दूर दूर से, मतलब मंडी से आई हुई है, बिलासपुर से पता नहीं आई है कि नहीं, पर मंडी तक से आई है इतना मुझे पता है। तो जाते हैं और मैच का आनंद लेते हैं, और आप लोगों को भी दिखाते हैं। और आप लोग देख सकते हैं सेब ना इतने बड़े बड़े हो चुके हैं, पूरे गुच्छे लगे हैं भाई सेब के पूरे रास्तों में। नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर ना जगह जगह सेब की ही खेती मिलती देखने को। तो चलते हैं यहाँ से, और आप लोगों को लग रहा हूँ इतना आराम से क्यों बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों ना, पर एनर्जी नहीं आ रही अंदर से जोर से बोलने वाली, बट रिकॉर्ड हो रहा होगा और उतना ज़्यादा चल भी नहीं रहा है, और तो कुछ है नहीं। तो चलते हैं ग्राउंड की ओर, यहाँ पे कबूतर देख सकते हैं आप लोग, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये बैठा कबूतर, देखो 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 देखो, ब्लर हो रहा होगा से, ना हो पाएगा। जूम हो जा। हाँ अब हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे बैठा हुआ है कबूतर, मैं इसे दिखा सकता हूँ, ये रहा कबूतर, बोलते इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, कबूतर तो नहीं बोलते शायद, आई थिंक जो भी है, बट काफी क्यूट है। और ये नॉर्मल झाड़ी है कांटों का ना, उसमें भी कितने ज्यादा फ्लावर्स बने हुए देख सकते हैं, फूल ही फूल, खुशबू काफ़ी अच्छी है भाई। और लोगों ने इतनी ज़्यादा गंदगी फैला रखी, मतलब शहर में तो ठीक था, गांव में भी गंदगी फैलाना लोगों ने स्टार्ट कर दिया। यार कहाँ फेंका हुआ यार, इतना अच्छा खेत है यहाँ पे नीचे, और बिल्कुल रास्तों में फेंका हुआ है गंदगी, लोगों का कुछ नहीं हो सकता भाई, समझ में तो आता नहीं, लोग हमें समझाते हैं, पहले वो खुद तो फॉलो करे भाई, खुद फॉलो करते नहीं और समझाने चले होते हैं यहाँ से। राउंड मेरे को लगे हैं यहाँ से 5 to 10 मिनट्स, मजे से चलूँगा तो 10 मिनट्स ही लगेंगे, जल्दी चलूँगा तो 5 मिनट्स लगेंगे। और आप लोगों ने कमेंट में बताना कि आज का आउटफिट आप लोगों को कैसा लगा मेरा। और ये रहा हमारे अंकल जी का घर, इनका पुराना वाला घर है, नया वाला तो आई थिंक शिमला में है, आई थिंक नहीं शिमला में ही है। और अंकल जी मतलब जिनके पास हम रहते हैं काम करती है, उनका घर है ये वाला, और इनके पलिसन के चाचा जी का घर है, और ये गाँव वालों का घर है यहाँ पे। और लोगों ने यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए डाल रखे हैं भाई, थोड़ी सी तारीफ कर दी मैंने कि
धूप नहीं लग रही बोल के, और इतनी तेज धूप लग गई ना, आप वो देख सकते हो बादल तो है बट धूप भी लग रही है। अच्छी बात है, मैच अच्छे से निपट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं पहुंच चुका मंदिर के पास, यहाँ पे यहाँ से भी है रास्ता बट मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, मैं जाऊँगा ये वाले रास्ते से अरे गाँव के तक ना। यहाँ पे गाड़ी आती है बट नॉर्मल गाड़ी आती नहीं, इसमें जिप्सी वगैरह आ जाती है, जो पावरफुल गाड़ी होती है स्कॉर्पियो जिप्सी आ जाती है, और तो आते नहीं है। ठंडी ठंडी हवा, तो चलते हैं शॉप पे ना कुछ खाने के लिए लेता हूँ, या तो कुछ मैं स्टीम लूँगा और एक ओरियो लूँगा, फेवरेट स्टीम तो फेवरेट ही जाए, पीना नहीं चाहिए शरीर के लिए, ना हानिकारक है बट फिर भी क्या करें, तलब ही ऐसी है। नहीं और ये वाला रहा हमारे बड़े अंकल जी का घर, दो भाई है ना, तो एक बड़े हैं छोटे हैं, तो अभी ये नया बना हुआ है यहाँ पे, अभी जो है यहाँ पे नए नए शिफ्ट हुए हैं, और इसको बनाने में हमारा भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है भाई। शॉप है यहाँ पे, नॉर्मल गांव का छोटा सा शॉप है, बाजार तो नीचे है। सन्नाटा क्यों है भाई इतना, भाई शॉप तो बंद है बस, देखते हैं यार नीचे जाना पड़ेगा शायद। तो गाइस फाइनली मैंने एक ओरियो और एक स्टिंग ले लिया है, इससे मेरा काम बन जाएगा भाई, तो इसको खाते और आप लोग भी खाइए, मैं तो देने वाला नहीं हूँ, आप लोगों को खुद ही परचेज करना पड़ेगा। कर मेरे को, मेरे को जानता नहीं है। तो चलते हैं मैच में, यहाँ से एक स्टिंग और ओरियो खाते हुए, स्टिंग और ओरियो का कॉम्बिनेशन ना फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ मैं। स्टिंग तो बढ़िया है बट ओरियो कैसा लगता है भाई, मैं खाने के बाद ही रिव्यू दूंगा इसका। उतना बुरा भी नहीं है और उतना अच्छा भी नहीं है, मस्त है, खा सकते हैं। और ये रहा यहाँ का स्कूल, ये है प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल है ओपली साइड है। और ये रहा यहाँ का पार्क, हॉस्पिटल जो दिख रहा है ग्रीन ग्रीन आपको सामने है, अभी मैं जूम नहीं कर सकता क्योंकि खाते मेरे पास ये है स्टिंग और ओरियो, और एक खाते फोन है तो जूम में कर नहीं सकता। पहुँच चुके हैं यहाँ पे जहाँ पे मैच हो रहा है यहाँ पे मैच, देख सकते हैं आप। तो चलते हैं दिखाते हैं आप लोगों को कैसे मैच हो रहे हैं यहाँ पे। साथ ही साथ नवयुवक संगठन के मेरा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन कि आप पुष्प मालाओं के साथ स्वागत द्वार पर चले जाएं। जितने भी हमारे नवयुवक मंडल के सदस्य हैं आप सभी स्वागत द्वार पर चले जाएं पुष्प मालाओं के साथ। श्रीमान सुरेश दोलता जी और करतार दोलता जी ने 1100 रुपए की सहायता राशि दी है, जोरदार तालियां हो जाए सज्जनों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें आशीर्वाद देने के लिए। श्री नीलम चेटी के द्वारा भी हमें 1000 रुपए। अभी जो ये मैच हो रहा है ये हो रहा है नंदपुर वर्सेस मंडी, और काफी ही रोमांच भरा ये मैच रहता है। और इस मैच में काफी कश्मकश भरा मुकाबला रहता है, और इसमें जीतती है टीम मंडी। लगता है प्रोटीन का चेक बढ़िया नहीं हुआ लंच में, अपना लोहा मनवा चुके हैं जहां भी वॉलीबॉल खेला जाता है आज के दौर में। अभी जो ये मैच हो रहा है मांडल वर्सेस सामनेवाली टीम का नाम मैं भूल चुका हूँ, और ये होम टीम का मैच हो रहा है, और इस मैच की जो विनर रहती है वो रहती है मांडल। और यहाँ पे डांस प्रोग्राम हो रहा है जो कि ऑर्गेनाइज किया है कि लोकल स्कूल मांडल के बच्चों ने, और काफ़ी सुंदर डांस का प्रोग्राम इन्होंने यहाँ पे दिखाया है। मेरी ओर से फ्री रखा जाए, आप लोग फोन की लाइट जला सकते हैं। नहीं जला।
लालू अपने दांत दिखा के चलेगा। काफी लाइट्स ऑन हुई नहीं है, और इस बार अब हो रहा है यहाँ पे फाइनल मैच, यहाँ की लोकल टीम मंदालू और दूर दराज से आई टीम टीम मंडी, और इसमें जो विजेता रहती है वो रहती है टीम मंडी। तो हम लग चुके हैं यहाँ पे खाना खाने की लाइन में, आप लोग देख सकते हैं काफी लंबी लाइन है यहाँ पे लगी हुई। ये हमें प्रायोजित किया है पुरस्कार श्रीमान प्यारे लाल ठाकुर जी ने। यदि यहाँ पे हो रहा है नाइट प्रोग्राम, और थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे नाइट प्रोग्राम देखते हैं और चले जाते हैं घर की ओर। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द वीडियोस। तो भाई कल रात को जो हम लोग बहुत लेट आए थे घर, और उसके बाद मैंने व्लॉग एंड भी नहीं किया, और अभी बज रहे हैं सुबह के अराउंड 10, और अभी मैं सो के उठ रहा हूँ क्योंकि कल रात को ना बहुत ही लेट आए थे, 12:30 बजे तो हम लोग सोए थे। कल जो यहाँ पे टूर्नामेंट हुए थे उसमें विनर रही मंडी। तो बताना आप लोगों ने, मैंने वीडियो इसमें डाल रखा है कि किस तरह का यहाँ का प्रोग्राम था और मैच किस तरह के रहे, और कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कल का। मेरे हिसाब से तो कल ही है, लेकिन व्लॉग तो शायद सेम ही आएगा कल और आज का, और मेरे हिसाब से कल है तो मैं कल ही बोलूँगा। तो कमेंट में बताना कि आप लोगों के वॉलीबॉल के टूर्नामेंट कैसे लगे। सर वगैरह भी उठाए भी नहीं है जस्ट क्योंकि अभी मैं सो के उठ ही रहा हूँ, और खिड़की से देखने से ऐसा लग रहा है कि बाहर का वेदर भी आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, धूप है शायद से काफ़ी ज़्यादा, और अभी मेरे पास थोड़ा बहुत काम भी है, खेत को जाना है। पर काम तो क्या थोड़ा बहुत है, जो भी काम है अभी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो पहले बिस्तर से उठ जाते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, फ्रेश होते हैं, देन जाके मिलते हैं आप लोगों से। और अभी मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है, आप लोग देख सकते हैं बादल थोड़े थोड़े इस साइड को है, और तो क्लियर मतलब चारों साइड से आ रहे हैं बादल, मौसम ऊपर से बिल्कुल क्लियर, और सूरज की रोशनी भी बिल्कुल लग रही है तगड़ी वाली, चिल्ड हवा लग रही है यहाँ पे ना। इस पॉइंट में जितनी मर्जी गर्मी हो भाई, जब यहाँ पे आता है ना यहाँ पे बैठने के लिए, जो यहाँ पे पॉइंट एक यहाँ पे नॉर्मल ही रहता है, ठंडा रहता है, इतनी ठंडी हवा चलती है ना यहाँ पे, क्या बताऊँ। एक्चुअली मैं सोच तो रहा था कि मैं मोटो व्लॉग नहीं बनाऊंगा, रुको जरा सबर करो, सॉरी मोटो व्लॉग नहीं, मैं मतलब कि ऐसा डेली व्लॉग नहीं बनाऊंगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, घर में जैसे नॉर्मल व्लॉग बनाते ना, मुझे एक्चुअली बाइक राइडिंग पे ही व्लॉग बनाना पसंद है, बट यार बोर हो जाते घर में बैठ बैठ के, तो मैंने सोचा कि यार बोर होने से बढ़िया आजकल ऐसे व्लॉग बनाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, क्योंकि थोड़ा आदत से पड़ गई है, तो बोर होने से बढ़िया तो व्लॉग शूट कर ही लेते हैं। और कल से तो हम लोग नॉर्मल काम में लग जाएंगे, शायद उसके ऊपर भी मैं व्लॉग बनाऊंगा कि हम क्या क्या काम करते हैं, अगर मेरा मन करेगा, मैं मूड पर डिपेंड रहता हूँ। मुझे भाई अगर तो मोटो व्लॉग की बात करें ना, मुझे ऐसे बोले रोज मोटो व्लॉग करना है, रोज चलना है राइड पे, तो मैं बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा, रोज रेडी हूँ। लेकिन भाई अभी ना यहाँ पे रास्ता नीचे खराब है, तो मुझे देख के चलना पड़ता है, और मैंने यहाँ पे पट्टी बांध रखा हुआ है पाँव में, तो मुड़ने का उतना ज़्यादा चांस है नहीं, चाबी लाए कि नहीं। हाँ तो मैं बोल रहा था कि कल से मैं शायद थोड़ा थोड़ा ही बनाऊंगा व्लॉग, मोटो व्लॉग अगर मेरे को रोज़ बोलेंगे बनाने के लिए तो मैं रोज़ बना सकता हूँ, ऐसे बोलेंगे रोड राइड पे चल, मैं रोज राइड पे चल सकता हूँ, लेकिन जो डेली व्लॉग है ना थोड़ा अनकम्फर्टेबल जैसे लगता है मेरे को थोड़ा। तो मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ बाइक के पास, आप लोग देख सकते हैं मैंने बाइक ना यहीं पर लगाई थी, यहाँ पर सेफ रहता है, और ये रहा यहाँ का मंदिर, आप लोग देख सकते हैं, दिखाता हूँ ये रही बाइक, और बाइक बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं बाइक में। तो बाइक स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से फटाफट, लेट हो गया वैसे भी बहुत ज़्यादा।